देखो ये हमारी पुरानी टीवी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, 1990s में ली थी हमने। वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अश्विनी श्रीमाली। तो गाइस आज मैं आई हूँ मेरे पुराने वाले घर में, क्योंकि बहुत पुराना बना हुआ है। बहुत आई थिंक 1997 में बना था ये, जब मेरा बर्थ हुआ था, जब मैं पैदा हुआ था। एंड मेरा नया घर तो आप देख चुके हो, और अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर भी डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो क्लिक करके। एंड आज यह संडे है तो मैं सोचा पुराने घर पे चलते हैं, तो यहां पर आया तो सोचा कि आपको पुराना घर दिखाया जाए। हालांकि दिखाने लायक तो नहीं है, बट बहुत पुराना बना एक्चुअली, तो दिखाने लायक तो नहीं है, बट फिर भी दिखा देते हैं। तो अभी अपन आगे फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, चलो चलते अपन फ्रंट में। ये पूरा ऑफिस बना हुआ है, अभी बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में भी बात करते हैं। ये देखो गाइस, ये डबल मंजिल बना हुआ है। एंड ये जो पास वाला देख रहे हो वाइट कलर वाला, ये भी मेरा हमारा ही है, ये अभी लिया था। तो चलो अंदर चलते हैं, अभी चलो अंदर चलते हैं। ये मेरी स्कूटी जो आप देख चुके हो पहले ही। एंड दो रास्ते जाते हैं, एक यहाँ से भी जा सकते हैं और एक यहाँ से भी जा सकते हैं अपन। और ये रास्ता जो है ऊपर जाता है, ऊपर रेंट दे। आप देखो यहाँ लेते, अब यहाँ नीचे कोई रह नहीं रहा, तो यहाँ लेते पूरे मकान की। तो अपन अभी यहाँ से अंदर चलते हैं। ये आया अपना ऑफिस, ये सब ट्रॉफी जीते थे पापा की, ये कुछ मेरी भी है। ओके तो अपन अंदर चलते हैं। मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग दो रास्ते आते हो, वो एक गेट यहाँ से आता है और एक गेट ये वाला था। ये इसलिए क्योंकि बिकॉज रेंट पे दो, तो अपन डायरेक्ट वो यहाँ से आ सकता है। अब ये है हॉल, एंड ये है किचन जो कि बहुत ख़राब बना हुआ है अभी, यहाँ कोई रह नहीं रहा है इसलिए। पानी की मशीन रखी हुई हमने, पूरा मकान खाली पड़ा है अभी। ये देखो ये हालत है अभी इस मकान की। एक्चुअली जिस एरिया में रहते थे हम यहाँ पे, तो ये मकान सारे यहाँ पर ऐसे ही है घर। ये दूसरा रूम, LIC, मेरे पापा एक्चुअली LIC का काम करते हैं। सो ये जो रेंट पे रहता था वो सब यहाँ रख के चले गए भगवान जी को इधर ही। सब ड्रॉअर खाली पड़े हैं। ये देखो ये हमारी पुरानी टीवी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, 1990s में ली थी हमने, आपकी फर्स्ट टीवी। ओके तो वापस बाहर चलते हैं। ये देख सकते हो आप, इसलिए मैं नहीं बता रहा था क्या बताऊँ इसमें, देखो ये हालत अभी इस मकान की। एंड ये बाथरूम बना हुआ है, कुछ दिखाने लायक नहीं है बट फिर भी दिखा दिया मैंने आज, काफ़ी टाइम से सोच ही रहा था मैं। ये रास्ता बाहर से बताया था मैंने, वही है, देख लो आप फिर से एक बार। अपन वापस ऑफिस और रूम में चलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, पूरा ये रेंट पे दे रखा था लेकिन सामने सिर्फ ये रूम रखा, तो इसको हमने ऑफिस बना लिया। घर हमारा उस साइड है, ऑफिस हमारा इस साइड है, और 3 किलोमीटर्स का डिफरेंस है ऑफिस और घर के बीच में, आप देख सकते हो। आज मैं यह काम करने आया हूँ, संडे है फिर भी काम करने आया हूँ। और पास वाला रास्ता जो है अपन ऊपर जा नहीं सकते अभी, क्योंकि वहाँ रेंट पे रह रहे हैं, ये रास्ता ऊपर जाता है। ऊपर जा नहीं सकते अभी, और पास वाला भी दिखाने से मतलब नहीं है, पास वाला भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। सो तो गाइस ये जो घर बताया मैंने अभी आपको, वो एक्चुअली ये एरिया इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए बच्चे बड़े होते गए, पापा ने सोचा फिर कि
मकान चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम फिर थोड़ा सा आगे चले गए। वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, PF ऑफिस भी है उधर, एंड ये था मेरा घर, पुराना घर। ज़्यादा क्या दिखा था इसमें गाइस, अब यही है इसमें, तो ज़्यादा दिखा था क्या, तो मैंने दिखा लिया जितना हो सके। तो मैं यहाँ डेली आता हूँ, ऑफिस वर्क करता हूँ, शाम को जाता हूँ वापस घर, आपके लिए शूट करता हूँ वीडियो शूटिंग वगैरह, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं हम, मैं और मेरी वाइफ मिलके, आप तो देख चुके ही हो। तो गाइस ये था मेरा पुराना घर, अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते क्या बनाते हैं।